हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी हब क्लासेस। तो जैसे कि एस्पिरेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल, और आज हम जो है वो बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो फॉर ईयर 2022 एंड 23 की है वो आज हम कवर करेंगे, जो कि रिसेंटली हमारे सीएम श्री जयराम ठाकुर जी ने अनाउंस की थी विधानसभा में। तो आज हम कवर करेंगे बजट, जो कि अगर आपको तो जो ये बजट 2022-23 वाली है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश के होने वाले हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार का है, चाहे वो एचएएस का होगा, या फिर चाहे जो अभी आपके पुलिस का तो हो ही गया है लगभग, बट जो जेओए वगैरह का या अदर क्लरिकल एग्जाम है तो वहाँ पे भी जो है वो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आज हम जो है वो मेन चीजें जो है बजट से कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। अब जैसे कि अगर हम की पॉइंट्स की कुछ बात करें तो आपको पता होगा कि इस बार जो बजट अनाउंस हुआ वो हुआ फील गुड टैक्स फ्री बजट, और अगर टोटल देखा जाए तो 51,365 करोड़ का जो है ये बजट है, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। और देखा जाए तो ये श्री जयराम ठाकुर जी का फिफ्थ बजट है और उनके आखिरी टेन्योर का, मतलब उनका जो टेन्योर है उसका ये लास्ट बजट है, लास्ट ईयर का बजट है, यानी कि 2022-23 का। और देखा जाए अगर सीएम ठाकुर जी ने क्या कहा विधानसभा में, उन्होंने कहा कि कोविड के रहते भी देखा जाए तो स्टेट ने कुछ एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो कवर की है, रजिस्टर की है ऑफ 8.3% डिस्पाइट अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ -6.2% इन 2020 एंड 21। ठीक है, जैसे कि 2019-20 से जो था वो कोविड लग चुका था, लेकिन उसके बाद कोविड की वजह से काफी इकोनॉमी में काफी इफेक्ट हुआ था, जीडीपी में काफी इफेक्ट हुआ था, बट स्टिल एक्सपेक्टेड रजिस्टर हमने ग्रोथ जो है वो जीडीपी में ग्रोथ रजिस्टर की है। अगर हम बात करें बजट की हाईलाइट्स की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है और एज अ सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको पता होना चाहिए, तो जैसे कि इस बजट में 10 न्यू स्कीम्स जिनकी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो अनाउंस हुई है, और साथ में प्रॉमिस की गई है 30,000 जॉब्स जो है वो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट है या इंडिया इंडियन गवर्नमेंट है तो वो भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर यानी कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो काफी फोकस कर रही है, यानी कि जॉब सीकिंग से ज्यादा जॉब क्रिएटिंग पे विश्वास कर रही है। तो हिमाचल की सरकार भी उसी फुटस्टेप को फॉलो करते हुए उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो जॉब क्रिएट करने का सोचेंगे, और वो ऐसा प्रोमिस कर रहे हैं। साथ में जो मलाड है यानी कि एमएलए एरिया डेवलपमेंट फंड है उसको इंक्रीज कर दिया था 1.80 करोड़ से 2 करोड़ जो है वो इंक्रीज किया गया, यानी कि 20 लाख का इंक्रीमेंट जो है वो इस फंड में किया गया है। और ये जो आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें होती हैं मीन जो आपके एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, आपके एग्जाम में जो है ये पूछी जाती हैं। इसी के साथ जो पेंशन की एज है उसको रिड्यूस कर दिया 70 से 60 साल, और 70 साल से अब की जो पेंशन है वो 1100 से बढ़ा के 1500 जो है वो कर दिया। अगर हम इस बजट की बात करें तो एक यूनिक फीचर क्या है इस बजट का कि सेपरेट जेंडर बजट है ये, और मेजर स्कीम्स जो है वो डिवोटेड करती हैं टुवर्ड्स वुमेन वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट, यानी कि जैसे कि आपको देखा जाए तो 8 मार्च को जैसे कि वुमेन्स डे मनाया है, और इसी के साथ जो है ये बजट भी जो है वुमेन्स के लिए जो है काफी अच्छी है, वुमेन्स वेलफेयर के लिए है और उनके एम्पावरमेंट के लिए है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में अगर देखा जाए तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, प्रधान हैं, आपके उप प्रधान है या कोई भी जिला परिषद वगैरह जो हैं आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी जो आपके मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरी है या जो उनका ऑनरेरियम है वो जो है वो बढ़ा दिया है, उसको इंक्रीमेंट दे दिया है, उनकी इंक्रीज कर दी है। और साथ में मेन चीज अगर फार्मिंग साइड से देखें तो नेचुरल फार्मिंग के लिए जो है वो सीएम ने 50,000 एकड़ की लैंड जो है वो खरीदी है अंडर नेचुरल फार्मिंग, और जो इरिगेशन फैसिलिटीज है 9,000 हेक्टेयर की वो एडिशनल लैंड पे होगी इन द हॉरिजॉन्टल सॉरी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। ठीक है, और साथ में कोल्ड स्टोर जो है वो 5,000 मेगा टन कैपेसिटी का बनाया जाएगा इन मंडी एट अ कॉस्ट ऑफ 60.93 करोड़, 60.93 करोड़ में जो है ये बनाया जाएगा आपका कोल्ड स्टोर। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कहाँ पे जो है वो कोल्ड स्टोर बनाने की घोषणा हुई है, तो आपका आंसर है पराला यानी कि मंडी में। आफ्टर दैट देखा जाए तो सीएम ने कहा है कि जो हमारी नाबार्ड की स्कीम्स हैं वो 3200 करोड़ की थी जब कांग्रेस ने रूल किया था प्रीवियस 5 ईयर्स में, बट हमने जो है वो स्कीम्स को भी बढ़ाया है, और साथ में जो इसकी एग्जीक्यूटेड है
यानी कि 3452 करोड़ के जो प्लान है वो हमने एग्जीक्यूट भी किए हैं। साथ में बोला गया है कि अंडर उज्ज्वला एंड गृहिणी सुविधा योजना स्कीम के अंडर जो है वो कंटिन्यू रहेंगी और साथ में 3 LPG सिलेंडर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑफ एलोकेशन ऑफ ₹70 करोड़ वाज मेड इन द बजट, बजट में 70 करोड़ की घोषणा हुई जिसमें कि 3 LPG सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद सीएम ने बोला कि अनाज मंडी सेटअप की जाएंगी जो कि रामपुर, उन्ना, बिलासपुर और कांगड़ा में होंगी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹15 करोड़। उसके बाद बोला गया है कि 1000 नई बिल्डिंग्स बनेंगी आंगनवाड़ी के लिए, ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30 करोड़ और मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो सेटअप होंगे एट अ कॉस्ट ऑफ ₹32 करोड़। यानी कि आंगनवाड़ी की जो 1000 नई बिल्डिंग है वो 70 करोड़ में बनेंगी और जो मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र है वो एट अ कॉस्ट ऑफ ₹32 करोड़ जो है वो उसके लिए फाइनलाइज हुए हैं। और अगर बात करें जैसे कि आपको बताया कि जेंडर वुमेन एम्पावरमेंट में जो है वो इस बार बजट को फोकस किया है, तो उसमें की पॉइंट ये है कि विडो रिमैरिज जॉब ग्रांट अप कर दी है 50,000 से 75,000, यानी कि 25,000 की जो वो हाइक इसमें की गई है। साथ में असहाय बाल पुनर्वास योजना जो है वो अनाउंस की है फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी बजट अलोकेट हुई है, तो वो है 8,412 करोड़ की जो है वो बजट एलोकेट हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आफ्टर दैट यहाँ पे बात की है मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक की। इसमें क्या है कि फॉर बेसिक ट्रीटमेंट इन एवरी असेंबल सेगमेंट विल बी प्रोवाइडेड, मतलब आपके मोबाइल पे ही जो बेसिक ट्रीटमेंट्स की जो वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और 500 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स की जो है वो रिक्रूट की जाएगी डॉक्टर्स कैडर में। और टू प्रमोट टैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ही नाउ सेवरल इंसेंटिव, इन्होंने कहा कि ही नाउ 5 मेजर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम इंक्लूडिंग 1 for AIIMS बिलासपुर, ठीक है। तो ये चीजें जो है इन्होंने हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड की गई हैं। तो अगर बात की जाए तो क्या किया है, एक सबसे मेन जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री मोबाइल स्कीम और साथ में 5 मेजर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स इन्होंने अनाउंस की है इंक्लूडिंग 1 for AIIMS बिलासपुर। रोड्स की बात की जाए तो इन्होंने कहा है कि PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर 1500 किलोमीटर की जो रोड्स हैं वो बनाई जाएंगी, ठीक है, एट आउटले ऑफ 350 करोड़ फॉर पीरियडिकल मेंटेनेंस ऑफ रोड्स टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनको भी मेंटेन किया जाएगा पीरियडिकली। देन उसके साइबर क्राइम पुलिस सेल जो है वो एस्टेब्लिश किए हैं और कहाँ पे होंगे ये, मंडी और धर्मशाला में। तो ये एक मेन चीज है कि लोकेशन आपकी कहाँ पे है, तो आपको याद होना चाहिए कि एक मंडी और एक धर्मशाला। बात करें टैक्स कलेक्शन की, तो टैक्स कलेक्शन जो है वो एक्साइज एंड टैक्स कलेक्शन का कहना है कि 15% टैक्स कलेक्शन राइज हुआ, ₹9,282 करोड़ का जो टैक्स है वो कलेक्ट किया गया था। तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो हम बजट 2 में लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनते हैं इस बजट से, MCQs हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट से। तो हमारे लाइव कोर्सेज में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारे लाइव बैचेस चल रहे हैं, जैसे कि अब तो 9th तहसीलदार की एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो उसका भी हम जो है वो एक कोर्स स्टार्ट करें। वैसे तो जो हमारे रेगुलर बैचेस हैं वहाँ पे तो हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं जिसमें कि आप कोई भी एग्जाम जो है उसके बाद अपेयर कर सको। बट अब हमारा एक अलग से बैच आएगा जो कि 9th तहसीलदार को फोकस करेगा। क्लासरूम्स लाइव क्लासेस चलेंगी, क्लासरूम नोट्स बनवाए जाएंगे, आपके वीकली टेस्ट होंगे, वीकली आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी जो कि आपके करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। लगभग 40-50% आपके करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसी के साथ एस्पिरेंट्स थैंक यू वेरी मच, जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जय हिंद।